तो फाइनली देबरा पार्ट वन के एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने जा रही है इंडिया में, और बेहद इस फिल्म को लेकर हर एक जगह पर इसके एडवांस बुकिंग तो चालू होंगे, मगर उसका टिकट प्राइस आखिरकार कितने तक हो सकती है ये बात आप लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक फिल्मों के जो बजट होते हैं उस बजट को देखते हुए उसके टिकट प्राइस का एक रेट फिक्स किया जाता है हर एक जगह पर। जैसे आप लोगों को पता है कि ये फिल्म कई लैंग्वेज में आ रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में, और बेहद इस फिल्म को लेकर जो क्रेज है पब्लिक में, जो हाइप चाहिए था वो जबरदस्त देखने को मिल रही है। मगर इसके टिकट प्राइस मेनली जो होता है टिकट प्राइस आखिरकार कितने तक इसके देखने को मिल सकती है, मल्टीप्लेक्स का, सिंगल स्क्रीन्स का, वो आखिरकार कितने तक रेट इसको देखने को मिल सकती है, उस पर अगर बात करें तो अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर इसके मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन्स का जो रेट प्राइस है वो फिक्स कर दिया गया है, जो आखिरकार इसके कितने तक प्राइस देखने को मिल सकती है। तो अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा तेलंगाना का रिपोर्ट है जो आप लोग मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जिसमें मल्टीप्लेक्स का 413 रुपए का एक टिकट प्राइस रखा गया है, सिंगल स्क्रीन का 250 रुपए इसके टिकट प्राइस मिनिमम होने वाली है, और आंध्र प्रदेश से इसके रिपोर्ट सामने आए हैं जो इसके मल्टीप्लेक्स के 325 रुपए टिकट प्राइस होंगे और सिंगल स्क्रीन के सिर्फ 200 रुपए टिकट प्राइस होंगे। तो इस तरह के कई सारे जहां तक जगहों का टिकट प्राइस का जो रेट है वो फिक्स किया जा रहा है। तो अभी ये रिपोर्ट सामने आई है तो आप लोग को एक चीज की जानकारी देना चाहूंगा, जो सिंगल स्क्रीन का जो टिकट प्राइस है वो कम से कम 150 रुपए होंगे। जी हाँ, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जहां तक पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं तो इंडिया में इसका मिनिमम 150 प्लस का इसका टिकट प्राइस होगा। प्लस में जाए, नीचे तो मत आए, प्लस में जाए इसके टिकट प्राइस ये सिंगल स्क्रीन का रहने वाली है, और मल्टीप्लेक्स का आप लोग को ओवरऑल आप लोग को 500, 400 या आप लोग को 600, 700 जहां पे बहुत ज्यादा जहां तक भाई टिकट को लेकर डिमांड रहेगा वहां पे उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हाई रहेगा, तो इसके टिकट प्राइस आप लोग को 1000 प्लस भी देखने को मिल सकती है। तो ये आखिरकार भाई होगा जहां तक हर एक जगह पर इसके रिपोर्ट आए हैं, मगर कुछ जगहों पर इसके मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन का जो टिकट प्राइस है वो अबव जहां तक 400, 450, 300, 350 रहेगी, और मिनिमम आप लोग को ज्यादा कर जहां तक 200 से 500 के बीच टिकट प्राइस रहने वाली है। एक मिनिमम प्राइस है, एक मीडियम प्राइस है, जो लोग इसे फिल्म देख सकते हैं अपने फैमिली के साथ भाई अच्छे जहां तक एंजॉय कर सकते हैं, बड़े से स्क्रीन पर काफी मजेदार सीन होंगे, काफी मजेदार स्टोरी होंगे। फिल्म भी 3 घंटे की है और फिल्म को बनाने में जो मेहनत लगी है, जो इस फिल्म को बनाने में जो आखिरकार खर्चे लगे हैं, जो 300 करोड़ प्लस बताए जा रहे हैं, जिसको भाई आखिरकार कंप्लीटली देखना है कि इसके टिकट प्राइस जो रखे गए हैं वो आखिरकार किस तरह से भाई बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाएगा, और जिस तरह से इसके टिकट प्राइस रखे गए हैं बॉक्स ऑफिस पर हिला देने वाली कलेक्शन होगी। और पब्लिक का तो साफ साफ कहना है कि भाई इसके प्राइस अगर 500 रखो, 1000 रखो, 2000 रखो या 5000 रखो, मगर टिकट खरीदूंगा और फर्स्ट शो देखूंगा। पब्लिक का जो डिमांड है वो तो भाई हाई लेवल का है, जूनियर एनटीआर का जो फैंस है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि भाई तबाही मचाना है सभी मिलकर। तो आप लोग जरूर बताइए क्या अगर इसके टिकट प्राइस कितना भी रहे क्या आप खरीदेंगे, जरूर बताइए नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत।